हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को और साथ ही इस घंटी वाली बटन को दबा दें ताकि सारी जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। जय श्री राम दोस्तों, और जय बजरंगबली। कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि श्री हनुमान जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं हनुमान जी के उन मंत्रों के बारे में। अगर कोई व्यक्ति हनुमान जी के इस बीज मंत्र का जाप करते हैं तो उनका असर उनको उनके थोड़े ही समय में दिखाई देता है। चाहे उसके जीवन में कैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो, हर परिस्थिति में व्यक्ति को उबरने की शक्ति मिलती है। दोस्तों, जिस घर में हनुमान जी के मंत्रों का जाप होता है वहाँ किसी भी तरह की कोई हानि नहीं होती है, और अगर आप हानि की चपेट में चल रहे हैं तो आपको तुरंत ही लाभ मिलता है और आपके सारे कार्य हनुमान जी की कृपा दृष्टि से पूर्ण जगत में पूरे होते हैं। दोस्तों, हनुमान जी बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता माने जाते हैं। जो भक्त सेवा भाव से हनुमान जी की सेवा करता है वो हनुमान जी का आशीर्वाद रूपी मेवा पाता है और हनुमान जी की दया रूपी छाव मेवा निश्चित हो जाता है। किसी प्रकार का भय या डर उस जातक को कभी भी नहीं डराता है और हनुमान जी को प्रसन्न करना अत्यधिक सरल है। दोस्तों, अगर आप मंगलवार, शनिवार या प्रतिदिन भी हनुमान जी के इन मंत्रों का जाप करते हैं और हनुमान जी की पूजा करते हैं तो आपके कार्य रूप से पूरे होते हैं और किसी भी विघ्न में हनुमान जी का स्मरण उस विघ्न को निर्विघ्न कर देता है। हनुमान जी सभी सिद्धियों के दाता है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हनुमान जी माने जाते हैं। उन्हें प्रसन्न करने से कोई भी सिद्धि व शक्ति को आपको प्राप्त किया जाता है और हनुमान जी की कृपा से आपको अष्ट सिद्धि और नवनिधि भी आपको मिल जाती है। दोस्तों, हनुमान जी की पूजा और साधना करने के दौरान आपको कुछ नियम हैं, उनका आपको इस वीडियो को शुरू करने से बता देते हैं ताकि आपको कोई गलतियां ना हो। आपको हनुमान जी की जब भी आप साधना करते हैं और आपको कोई विशेष इच्छा पूर्ण करती हो तो इन नियम पालन करके ही आपको हनुमान जी की पूजा करनी है ताकि उसके फल आपको मिले। ऐसा नहीं हो कि आपने वह उपाय किया है या आपने कुछ भी हनुमान जी की साधना के लिए किया हो और आपके वह साधना बेकार चली जाए। दोस्तों, कोई भी चीज़ बेकार नहीं जाती जब तक हम उसमें कुछ गलतियां या कमियां ना करते। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना चाहिए कि हनुमान जी के पूजन के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करें, स्त्री से आपको संबंध नहीं बनाना है और साथ ही आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। नकारात्मक विचार अपने मन में नहीं लाने हैं, किसी के प्रति बुरा भाव आपको नहीं रखना है, तभी आप हनुमान जी की पूजा के लायक हो पाएंगे, अन्यथा आपको हनुमान जी की पूजा करने का लाभ भी नहीं मिलता है। दूसरी कोई चीज़ की बात करें, निस्वार्थ सेवा जिसमें कोई छल आपका ना है, ना छुपा हो, उस भावना से आपको सेवा करनी चाहिए। प्रत्येक मनुष्य की हनुमान जी की और क्रोध और अहंकार से पूर्णतः दूर रहे। ऐसा नहीं है कि घर पर आपका तो लड़ाई झगड़ा चल रहा हो और आप हनुमान जी को मनाने चले हो। पहले अपने घर में सभी सदस्य सुखी होने चाहिए, सभी का आशीर्वाद आपके साथ होना चाहिए, तभी ऐसा माना जाता है। एक ही नहीं सभी की दुआ रखती है तब कोई कार्य होता है। तो क्रोध, अहंकार और लड़ाई झगड़े से दूर ही आपको रहना चाहिए। हनुमान जी को आपको घी के लड्डू का प्रसाद अर्पित करना चाहिए, नहीं तो आप केवल थोड़ा सा घी में गुड़ भिगोकर ही हनुमान जी को अर्पित कर देते हैं तो इतने प्रसाद मात्र से ही हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं और हनुमान जी की कृपा आपको मिलती है। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं अब इस मंत्र के बारे में। शुक्ल पक्ष की शुक्रवार से लाल आसन पर हनुमान जी को प्रतिष्ठित मूर्ति के सामने बैठकर घी का दीपक जलाकर लाल चंदन की आपको माला लेनी है या फिर मूंगी की माला लेकर नित्य 11 माला लगातार 40 दिन तक पाठ करने से हनुमान जी की आपको यह सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और जब आपको यह सिद्धि हनुमान जी की मिल जाती है तो आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत भी आपको नहीं पड़ती है। दोस्तों, पहला सरल मंत्र है जिसका आपको जाप करना चाहिए। दोस्तों, पहला मंत्र है ओम हुं हुं हनुमते फट। इतना सरल मंत्र है, आपको लगातार इसका जाप करना है। दूसरा है ओम पवन नंदनाय स्वाहा। इस मंत्र का आपको जाप करना है। जो विधि है वह समान ही रखनी है, अलग अलग नहीं करना है। 11 माला ही आपको इन सभी मंत्रों का जाप करना है, 40 दिन तक जाप करना है। अगला मंत्र है ओम हन हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट। इतना सरल मंत्र है दोस्तों, इनका जाप आपको करना है और निश्चित तौर पर हनुमान जी की आप सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं।
दोस्तों इसी तरह आपको बताते हैं अष्टादशाक्षर मंत्र अत्यधिक चमत्कारी वे हनुमान जी की कृपा देने वाला है। मंत्र महोदिति में वर्णित है कि जिस घर में इस मंत्र का जाप होता है वहाँ किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होती, धन संपदा व खुशियाँ समृद्ध फैली हुई होती है। दोस्तों मंत्र आपको इस प्रकार जपना है, ओम नमो भगवते अंजनेय महाबलाय स्वाहा। इस मंत्र के देवता स्वयं हनुमान हैं, ईश्वर हैं। इस मंत्र का जाप अगर 10,000 बार आप कोई कर लेते हैं तो इससे कहा जाता है दशान हवन करना चाहिए। दोस्तों इस मंत्र का 10,000 बार लगातार नहीं, जैसे कि आपने कोई नियम बना लिया कि एक दिन में आपको इतना मंत्र जाप करना है और आपको कितने दिनों में आप 10,000 बार इस मंत्र का जाप कर लेते हैं तो हनुमान जी की सबसे प्रिय सिद्धि आपको मिल जाती है। और अगर आप यह सिद्धि आपको प्राप्त हो जाती है तो इस दुनिया में आपको कोई भी पराजित नहीं कर सकता, हर कार्य में आपको विजय प्राप्त होती है। हनुमान जी के कुछ प्रसिद्ध मंत्र जिनकी साधना करने से हर तरह के दुख व संकट हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। 41 दिनों तक नित्य 3 या 7 माला घी का दीपक जलाकर उनके सम्मुख जाप करके इन मंत्रों का आपको जाप करना चाहिए तो आपके कार्य भी बन जाते हैं। दोस्तों पहला मंत्र है ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय विश्वरूपाय अमित विक्रमाय प्रकट पराक्रमाय महाबलाय सूर्यकोटि संप्रभाय रामदूताय स्वाहा। पहला मंत्र है जो आपको हर कार्य में सिद्धि देने के लिए। दूसरा मंत्र है ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्व शत्रु संहारनाय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। इस मंत्र का आपको जाप करना है तो निश्चित तौर पर आपके सारे कार्य बन जाते हैं और हनुमान जी की जो विशेष सिद्धियां है वह आपको प्राप्त हो जाती है। तो हनुमान जी की कृपा मिलने से आप अपने जीवन में धन परिवार ऐश्वर्य सुख और सभी कार्यों में आपको विजय प्राप्त होती है और आपके कार्य आसानी से संपन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं हमारी यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय श्री राम दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।